जी सर, मैं कमी? हाँ प्लीज़ कम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। प्लीज़ टेक अ सीट। राजीव अग्रवाल जी, थैंक यू। हाँ, आप परिचय दें अपना। सर, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। मैं सर उत्तर प्रदेश में आगरा के करावली कस्बे का रहने वाला हूँ। सर, मैंने आगरा में दयालबाग शिक्षण संस्थान से BSc कंप्यूटर साइंस और MSc कंप्यूटर साइंस किया है सर। उसके बाद सर मैंने भारतीय स्टेट बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, नेहरू युवा केंद्र में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और सर उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के रूप में कार्य किया है। सर, वर्तमान में मैंने नवंबर महीने में नायब तहसीलदार से रिजाइन करके भारतीय राजस्व सेवा आयकर को सर ज्वाइन किया है। वर्तमान में सर मैं EOL पर हूँ और सर मुझे डायरी लिखना और करियर काउंसलिंग करना सर पसंद है। तो पिछली बार आपको इंटरव्यू में कितने मिले? सर, पिछली बार 179 मिले। वेरी गुड। तो कोशिश कीजिएगा आप किसी एटलीस्ट 24-25 मार्क्स और ऐड कर दें उसमें। तो सिविल सर्विसेज का क्या आकर्षण है आपके लिए? आपका आपके पास तो प्रोफेशनल डिग्री है। जी सर। सर, जब मैं कॉलेज में था तो सर मैंने वहाँ NSS ज्वाइन किया था। मैं वॉलंटियर किया 2 साल NSS में। सर, उसके जो एंगेजमेंट था हमारा वो आसपास के गाँव में होता था जो हमारे कॉलेज के थे। तो सर मैं सोशल एक्टिविटीज़ में वहाँ इन्वॉल्व रहा तो सर मुझे लगा कि वहाँ ज्वाइन करके सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम लोगों के साथ काम करते हैं। तो सर सिविल सर्विसेज एक ऐसा माध्यम प्रदान करते हैं जिसमें सर हम अपना पर्सनल जो करियर एडवांसेज हैं उनको उनको सर मैनेज कर सकते हैं सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करके। दूसरा सर, जब मैं कॉलेज में था सर मैंने कई सारी एक्टिविटीज़ की हैं। मैंने जॉब्स सर जो की हैं उनमें डिफरेंट टाइप के सर मैंने काम किए हैं। और स्पेशली सर जब मैं नायब तहसीलदार में था तो मुझे लगा कि सर हम जब डाइवर्सिटी के साथ काम करते हैं और नए नए चैलेंजेस आते हैं तो हमें ग्रो करने में भी मदद करते हैं। सर सिविल सर्विसेज सर ये सारे मीडियम प्रोवाइड करता है। तो क्विजिंग में आपका इंटरेस्ट है? यस सर। रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड? सर, आई एम नॉट एग्जैक्टली, भंडार नायके वॉज हर सर। श्री मावे भंडार नायके। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड? सॉरी सर, आई एम नॉट एग्जैक्टली। फर्स्ट वुमन एस्ट्रोनॉट? सर वैलेंटिना, आई एम नॉट एग्जैक्टली एबल टू रिमेंबर। वैलेंटिना तेरेश्कोवा। यस। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली? मिस विजय लक्ष्मी पंडित। मिस मिसेस मिस सर, वी यूज इंटरचेंजेबली राइट दिस डेज। अच्छा, अब ये बताइए RTI एक्ट कब पास हुआ था? सर 2005 में। मैं अगर एक विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करूं कि RTI एक्ट हैज फेल्ड इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इससे आप सहमत होंगे? सर मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि सर RTI ने जिस तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज लोगों को मिलती हैं और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है जो गवर्नमेंट में सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था RTI से पहले, उसको सर काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। लोग उसको RTI का यूज करके सर अपना बेसिक गवर्नेंस को, जो उनके राइट्स हैं सर, उनको इस्तेमाल करने में सर काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आपने कहा कि पहले नहीं सूचना मिल पाती थी, तो क्यों नहीं मिल पाती थी? कौन सा एक्ट था जिसकी वजह से सूचना नहीं मिल पाती थी? सर प्राइमरी रीजन एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट रहा है। उसके अलावा सर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग थी तो सर इसमें ऑफिशियल जो सर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे सर, वो भी सूचना देने में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था सर उससे दिक्कत होती थी। आपने ये टर्म सुना है बॉम्ब साइक्लोन? यस सर। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? यस सर। सर बॉम्ब साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन का एक प्रकार है जो टेम्परेट रीजन्स में होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा गया है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है उनकी जो सर इंटेंसिटी है, वेलोसिटी है और जो उनका इफेक्ट है सर वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। वो शॉर्ट टाइम में सर ज़्यादा रेनफॉल करते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो सडन होता है सर, उनको सर बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर। राजीव, आपने शिक्षा प्राप्त की है दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, तो ये बताएं कि दयालबाग क्यों मशहूर है? जी सर,
सर दयालबाग में राधा स्वामी फेथ का उदय हुआ 1861 में स्वामी शिव दयाल सिंह द्वारा एक नए फेथ की फेथ को सर स्टार्ट किया गया, जिसमें सर जो हिंदू धर्म में था कि पूजा करते हैं मूर्ति पूजा करते हैं सर, उससे अलग हटके एक अवेकंड पर्सन जिसको संत सतगुरु कहते हैं उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की सर विचारधारा रखी गई। तो सर इस विचारधारा के सर करीब 20 लाख लोग हैं अभी और कई सारे ऑफशूट्स हैं सर जिसकी वजह से सर ये फेमस है। लेकिन राधा स्वामी में भी देख रहे हैं भिन्न भिन्न जो है वो संप्रदाय इकट्ठे, संप्रदाय तो नहीं कहेंगे मत हो रहे हैं। एक एक दयालबाग आगरा वाला है तो जी सर, एक ब्यास वाला है जी सर, तो आखिर ये माजरा क्या अगर वो ठीक है अगर वो सर इन सारे जो इनके फैक्शंस हुए हैं सर राधा स्वामी फेथ में, उसमें सर जो बेसिक जो प्रोपाउंडर हैं सर स्वामी जी महाराज कॉमन हैं, उनके बाद सर उनकी जो टीचिंग्स हैं वो सारे फेथ में जो सारे फैक्शंस हैं सर उनमें कॉमन है, लेकिन सर स्वामी जी महाराज के सर विलीन होना हो जाने के पश्चात उसमें सर जो उनके उत्तराधिकारी थे उनमें कुछ मतभेद हुए, तो उनके सर जो मतभेद थे और उनकी जो आपस में डाइवर्जेंस थे व्यूज में सर उसके बेसिस पे ब्यास तो मतलब सिद्धांत का नहीं है कोई डाइवर्जेंस, लड़ाई उत्तराधिकार की है। सर जो बेसिक टेनेट्स हैं सर वो सेम है, लेकिन जो उत्तराधिकार है उसमें भी सर डिफरेंसेज हैं फैक्शंस में। उसके बाद सर ब्यास के बाद भी बाद में भी और जो बेसिकली पावर की लड़ाई है सर, मैं पूरी तरह तो सर पावर की लड़ाई नहीं कहूँगा क्योंकि उत्तराधिकार में भी सर डिफरेंसेज आते हैं कि कैसे वो किसी को ले जाना चाहते हैं सर। फॉर एग्जांपल सर हम बुद्धिज्म से इसका कंपैरिजन करें, बेसिक टेनेट सेम है कि सभी जो बेसिक टीचिंग्स हैं सर बुद्धा की उनको मानते हैं, लेकिन उनकी पूजा कैसे करनी है उसमें सर विरोधाभास आ जाता है। और ये जो डिफरेंट सेक्ट्स हो रहे हैं है ना, उसके चलते जो नई ज्योग्राफीज बन रही हैं है ना, उसको लेकर करके अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा? सॉरी सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा। जो डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स है ना जी सर, है ना, वो किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं? जी सर, सर पहला हम देखते हैं कि कई स्टेट ही थियोक्रेसी पे बताइए सर। पहला सर थियोक्रेसी के बेसिस पे कई स्टेट्स का उदय हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ईरान प्रेजेंट सर। दूसरा अफगानिस्तान में हमने देखा है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कैसे पावर को सर कंट्रोल करते हैं, उससे डायनामिक्स चेंज होती है। सर बस मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। अच्छा चलिए आपके विषय पर आते हैं, कंप्यूटर साइंस पे है ना। तो आजकल बड़ी चर्चा है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर न्यूरल नेटवर्क है ना, इससे परिचित हैं आप? सर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क से परिचित हूँ, ऐसा ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है ट्राई करिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर न्यूरल नेटवर्क उसको दोनों को और शक्तिशाली बना देता है ना, तो किस क्षेत्र में हम इनका यूज़ करना चाहेंगे, कहाँ हमें समस्या आ रही है मुख्य रूप से सर? अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और वहाँ हम कहाँ इसको यूज़ करना चाहेंगे? जी सर, सर अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को न्यूरल नेटवर्क के साथ यूज करते हैं तो सर कई चीज़ें हैं, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में जब पॉलिसी बना रहे होते हैं तो सर हमें एक ब्रॉड ग्रुप को ध्यान में रखना होता है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को सर न्यूरल नेटवर्क के साथ यूज करेंगे तो हम पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस दे सकते हैं सर, किसी रीजन स्पेसिफिक में एक छोटे सर ग्रुप को लेके उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर जैसे हम टीचिंग में ही देखते हैं तो टीचिंग में सर हम पर्सनलाइज्ड जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग्स के न्यूरल नेटवर्क्स उनके हिसाब से सोचेंगे और उनके हिसाब से हम सर पर्सनलाइज्ड जो कंटेंट है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा सर उसके अलावा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जितना भी यूज करते हैं सर उसमें सर बेसिक फिलोसफी न्यूरल नेटवर्क्स की रहती है, तो अगर हम कुछ भी जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में होती है, हम न्यूरल नेटवर्क्स और क्लाउड कंप्यूटर का उपयोग वो सर्विसेज को वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में प्रोवाइड करने और सर एफिशिएंटली देने में कर सकते हैं सर। ओके मेरा लास्ट प्रश्न आपसे कि कुछ दिनों पहले मतलब पिछले अगस्त में
भारत सरकार की एक पॉलिसी आई कि सारे जो है आप लैपटॉप का या बंद कर दीजिए। नवंबर में उन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया। तो कौन सा आदेश बन गया था, अगस्त वाला या नवंबर वाला? सर मुझे लगता है कि नवंबर वाला आदेश, इसमें रिकॉल किया गया उस आदेश को सर, वो ज़्यादा बेटर। क्यों, जल्दी से बता दें सर। क्योंकि हम वर्ल्ड इकोनॉमी के पार्ट हैं, तो हमें सर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाने की बजाय अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। दूसरा सर, जो वर्ल्ड हमारा ट्रेड है या एक्सपोर्ट है सर, वो गिव और टेक पे आधारित हैं। जब हम मार्केट एक्सेस, तो बात कह दिया आपने, हाँ पहली बात कर दी, दूसरी बात बताए सर। दूसरा सर, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो लैपटॉप्स में है वो डिमांड को सर पूरा नहीं करती है। तो सर शॉर्ट टर्म में ये डिसीजन अच्छा नहीं है, क्योंकि डिमांड सर सप्लाई मिसमैच हो रहा था, प्राइस भी बहुत बढ़ रहे थे, और उससे सर जो इनोवेशन हो रही है सर वो अफेक्टेड होती है सर। सेकेंड रीजन सर ये सोच पा रहा हूँ मैं। राजीव ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप जी सर, बताइए अर्थ के कोर का टेम्परेचर क्या होता है? सर अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो सर 5000 डिग्री, 6000 to 8000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस स्टेट में कौन कौन से मेटल या कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? कोर का कॉम्पोजिशन क्या है? सर कोर में निकल होता है सर, और सर आयरन होता है मॉल्टन स्टेट में। और सर मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। तो जो लावा निकलता है जी सर ज्वालामुखी से या कहीं भी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सर लावा निकलता है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि सर लावा कितनी गहराई से और कौन से सर लेयर से निकल रहा है सर। जब सर उसमें दो तरह के सर, कई तरह के लावा हो सकते हैं जिनमें फॉर्म चेंज होती है सर। ग्रेनाइटिक लावा होता है सर, बसाल्टिक लावा होता है सर, इनके और भी प्रकार होते हैं सर। नहीं तो ये बताइए, जब कोर में मेटल प्रेजेंट है, निकल आयरन वगैरह वगैरह, तो मेंटल में भी वही होगा? और जब हम लावा जो मिलता है उससे हम कुछ आयरन या निकल क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सर मेटल्स हैं डिफरेंट लेयर्स में, वो सर कोर की तरह नहीं है। जो डिफरेंट सर लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट सर मेटल्स हैं। दूसरा सर, जब जो मेटल्स निकलते हैं सर, हम उनको इकोनॉमिकली यूज करते हैं, लेकिन जो अर्थ के इंटीरियर में है सर, उनकी जो डेप्थ है सर वो बहुत ज़्यादा है, और उनका सर अभी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मान लीजिए आपको डिफ्रेंसिएशन एक लेमैन को समझाना हो, तो कैसे समझाएंगे? व्हाट इज डिफरेंशिएशन सर मैथमेटिक्स में? सर डिफरेंशिएशन को, अगर कोई कार्य हो रहा है उसको, उसकी दर क्या है, उसको जो बढ़ रहा है या घट रहा है, किस रेट से सर वो चेंज हो रहा है, उसको सर हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये रेट तो एवरेज पे निकाल रहे हैं जो आपने कहा कैसे बटर बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो एवरेज करके निकालते हैं, उसके लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत है ना। एक घंटे में कितना बढ़ा, हमने उतना कैलकुलेट कर लिया, जितना बढ़ा उसको से डिवाइड कर दिया, रेट मिल गया। सर एवरेज में जो हम रेट ऑफ चेंज, सॉरी सर मैं जितना समझ पा रहा हूँ सर, रेट ऑफ चेंज एक यूनिफॉर्म फैक्टर होता है किसी पॉइंट पे, जबकि जब हम एवरेज निकालते हैं सर वो एक फ्लो वेरिएबल है जिसको ओवर द टाइम सर हम जो, हाँ, तो आप जो सही वर्ड है वो यूज ही नहीं कर रहे हैं। क्या है वो सही वर्ड? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसी भी प्रोसेस में। क्वांटम कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं? सर क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस का नया ब्रांच है जो क्वांटम फिजिक्स के बेसिक्स को यूज करता है, और इसमें बाइनरी बिट्स के बजाय सर क्यूबिट्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटेशन के लिए। फायदा क्या है उससे? सर जो जनरल कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है या स्टोरेज पावर होती है सर वो काफ़ी कम होती है, और क्वांटम कंप्यूटर्स में जो बेसिक कंप्यूटिंग यूनिट्स क्यूबिट्स हैं सर, वो मल्टीपल वैल्यूज में एक साथ रह सकते हैं, तो सर उससे उसकी कंप्यूटिंग पावर प्रोपोर्शनेटली। चलिए आंसर आपने सही दिया पर क्रिस्प आंसर नहीं दिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आपका क्या मतलब है?
सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक मल्टीपल कंप्यूटर या अदर डिवाइसेज का कलेक्शन है जो सर इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और सर इंटरेक्ट करते हुए. तो इसका बेसिक कंपोनेंट तो ब्लूटूथ हुआ. सर ये जो कम्युनिकेशन हो सकता है उसके लिए जरूरी है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है डिफरेंट डिवाइसेज के बीच में वो फास्ट और रियल टाइम बेसिस ऑलमोस्ट रियल टाइम बेसिस पे हो. और सर जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है सर वो शॉर्ट डिस्टेंस टेक्नोलॉजी है. अच्छा ठीक सर. इसके लिए आपने कहा कि आप अभी IRS में. जी सर. करेक्ट. इनकम टैक्स या कस्टम. इनकम टैक्स. इनकम टैक्स. कॉन्स्टिट्यूशनली ये बताइए दैट हु सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. सर CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सर्टिफाइड. ओके. अब ये बताइए कि द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स डज इट जस्टिफाई द टोटल कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. सर आपके हिसाब से पर करोड़ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या होगी इनकम टैक्स की. सर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन जो सोच पा रहा हूँ डिपार्टमेंट में जितने सर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका सैलरी जो ऑफिस स्पेस है जो भी एक्सपेंडिचर. यस सर. आपके हिसाब से क्या होगी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन परसेंटेज वाइज एज कम्पेयर टू टोटल कलेक्शन. सर बहुत मिनिस्क्यूल होना चाहिए क्योंकि सर टैक्स भी एक सर 0.1%. ठीक है. आपने कहा मिनिस्क्यूल होना चाहिए. बाय व्हाट कैलकुलेशन. सर मैंने जो एक एम्प्लॉयज जो नंबर ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें मल्टीप्लाई किया था जो बेसिक एवरेज सैलरी हो सकती है उसको सर एक बॉल पार्क फिगर लिया कि एक्सपेंडिचर जो और हो सकता है और टैक्स कलेक्शन के जो फिगर हैं सर उससे रफली कंपेयर किया. ओके. अब आप आगरा के हैं ताजमहल है. ताजमहल के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज उठी है कई कई बीच में. कभी किसी ने कहा कि इट वॉज अ शिव टेम्पल. कभी किसी ने कहा वहाँ कोई और मंदिर था. कभी कोई कहता है कि शाहजहाँ ने नहीं बनाया था वगैरह वगैरह. किसी ने एक बहुत छोटी सी किताब लिखी थी इस बारे में. दिस जेंटलमैन वॉज एन RSS फंक्शनरी बट ही रोट अ वेरी रीजेंट बुक. आजकल तो मार्केट करने लगते हैं. उन्होंने किताब लिखी थी कि इट कुड हैव बीन अ हिंदू टेम्पल. तो कैन यू कनेक्ट द नेम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कौन थे. नहीं सर सॉरी. प्राणनाथ होक. बट एनीवे अब ये बताइए आगरा में. मैं दो चार बार ही गया हूँ आगरा. पेठा आगरा का. जी सर. आगरा से क्या कनेक्शन है पेठे. सर पेठे की पेठा सबसे ज़्यादा आगरा में ही बनता है सर. क्यों. वही मैं पूछ रहा हूँ. भाई आगरा. सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट. किस चीज़ से बनता है. सर पेठा एक फ्रूट होता है सर जो. फ्रूट होता है. कौन सा फ्रूट. सर उसको पेठा ही बोलते हैं. उसको सर प्रोसेस करके भी पेठा ही बोलते हैं. श्योर. सर लोकल लैंग्वेज में तो पेठा ही बोलते हैं सर उसको. मैं तो पेठा ही बोल रहा हूँ लेकिन मतलब इज द फ्रूट और द वेजिटेबल ऑल्सो कॉल्ड पेठा. इज इट फ्रूट और वेजिटेबल. हाँ सर लोकल में उसको पेठा ही बोलते हैं जो रॉ मेटेरियल. वो फ्रूट है या वेजिटेबल है. सॉरी सर आई एम नॉट. आखिरी सवाल करूंगा आपसे इसमें. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रूट एंड अ वेजिटेबल. फल क्या है और सब्जी क्या. फर्क क्या है. सॉरी सर आई एम नॉट थिंक. कुछ तो फर्क होगा तभी तो सब्जी सब्जी है. फल फल है. फल एवं सब्जी बोलते हैं ना. जी सर. फल विक्रेता सब्जी विक्रेता अलग अलग होता है ना. फल और सब्जी अलग अलग चीज है. एनीवे आप शायद नहीं कभी सोच रहे हैं. सोचने को मौका दिया जा रहा है. सर साइंटिफिक डिफरेंस सर मेरे को पता नहीं है. नहीं साइंटिफिक साइंटिफिक नहीं. आप एवरीडे डिफरेंस बताइए. मुझे कौन सी साइंस आती है. मैं तो ऐसी एज अ ऑर्डिनरी पर्सन. सिंपल सी बात है यार. मैं समझता रहा हूं सर. फ्रूट को कुक करके नहीं खाते हो. वेजिटेबल को कुक करके खाते हो. एंड सिंपल सी बात है. बट मिर्च. What do you call it? In English, chili. Chili. And tomato are regarded as fruit. Yes. Why? In my opinion.
सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। थैंक यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून राजीव। गुड आफ्टरनून सर। यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। यस सर। आपके लगभग 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं। जी सर। ये पांचवा है या छठा है? पांचवा है सर। ये छठा है, पांचवा है? पांचवा है सर। पांचवा अटेम्प्ट है, तो लगभग 10 से 12 बार तो कम से कम यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आए होंगे। हाँ, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जी सर। यूपीएससी की वेबसाइट का क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड है? सॉरी सर, कभी ऑब्जर्व नहीं किया आपने? नहीं सर। ठीक है। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, क्या डिफरेंस है? सर, जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो टेक्नोलॉजी है सर जो हमको नया कंटेंट देती है ट्रेनिंग के बाद में। और सर, चैट जीपीटी उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म है सर, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो उस प्रिंसिपल पे काम करता है। और जीपीटी और बार्ड में क्या फ़र्क है? सर, दोनों डिफरेंट कंपनीज के एआई सर प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये मॉडल कौन सा यूज़ करते हैं दोनों? सर, दोनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे सर वर्क करते हैं। आयुषो सर, मैंने जितना पढ़ा है मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। आप एआई को एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? इनफैक्ट आप तहसीलदार भी रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से एआई का उपयोग हम कर सकते हैं? सर, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। दूसरा सर, हेल्थ केयर सिस्टम में सर इश्यूज रहते हैं लोकल हेल्थ केयर सेंटर्स पे, तो वहाँ सर डायग्नोसिस के लिए और जो प्रिस्क्रिप्शन है सर उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरा है सर, जो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी है सर, उसमें बहुत सारी स्कीम्स एक साथ रन कर रही होती हैं, हम सर उसको एफिशिएंट बना सकते हैं कि मिनिमल वॉइस बेस्ड इनपुट के बेसिस पे सर रिलेवेंट जो स्कीम्स हैं या डेटा है, जो भी एप्लीकेशन इंटरफेस है सर, वो सिटीजन्स को मिले, ये कर सकते हैं सर। दूसरा सर, एआई के बेसिस पे सर हम जो और भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ मिलके सर जो डिजास्टर इश्यूज हैं या फिर सर उनको टैकल कर सकते हैं, हम हॉटस्पॉट निकाल सकते हैं, उसमें ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं सर। सर, ठीक है। आपके पिताजी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं? जी सर। बिजनेस से एसोसिएटेड हैं? सर, माय फादर रन्स अ शॉप इन टाउन। ओके। जीएसटी नहीं के पास होगा? नहीं है सर। एज अ जनरल टॉपिक यू आर अवेयर व्हाट जीएसटी इज, राइट? जीएसटी के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जीएसटी फ्रॉड्स। जी सर। ठीक है। मेनली किस किस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं? सर, पहला जो सबसे प्रोमिनेंट फ्रॉड का तरीका है उसमें सर ये होता है कि इनवॉइस नहीं बनता है और ईवे बिल बन जाता है जिससे सामान चला जाता है लेकिन टैक्स जनरेशन नहीं होता। दूसरा सर है कि सेल कंपनी बना के उन पे सर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता है लेकिन कोई रियल ट्रांजेक्शन नहीं होता सर। ये दो तरह के मेन फ्रॉड सर। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर? सर, गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस और ईवे बिल को सर इंटीग्रेट करने की कोशिश की है लेकिन अभी सर इसको होल्ड पे रख दिया गया है कुछ समय के लिए प्रोटेस्ट की वजह से। दूसरा सर, टैक्स इवेजन मेजर सर सीबीआईसी द्वारा लिए जा रहे हैं। पिछले साल में सर 2,00,000 करोड़ रुपए का जीएसटी इवेजन सर पकड़ा गया है। इसके लिए सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया है। फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद में ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जा रही है सर, तो उससे सर जो फर्जी एड्रेस पे जो सेल कंपनियां रजिस्टर हो रही थी सर उन पे अंकुश लगा है। और सर, टेक्निकल जो मैचेज हैं सर, फॉर एग्जांपल सर जैसे सेलर है तो उसके जो बायर्स हैं सर उनके भी टैक्स क्रेडिट्स और जो टैक्स पेमेंट है सर वो मैच किए जा रहे हैं। ओके। आप करियर काउंसलिंग देते हैं बच्चों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या पिलर्स हैं? सर, पिलर्स में जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको सर रीडिफाइन कर दिया गया है। जो पहले प्राइमरी सर 5th class तक होता था उसको सेकंड उसको फाउंडेशनल स्टेज 2 तक ला दिया गया है। उसके अलावा सर जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उस पर फोकस किया जा रहा है कि वो मदर टंग में रहे। उसके अलावा सर सर वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है जल्दी से। उसके अलावा सर टारगेट्स रखे गए हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन में 100% इनरोलमेंट हो
और सर हायर एजुकेशन है उसमें सर क्रेडिट सिस्टम लाया गया है जिसमें मल्टीपल सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो सकते हैं सर, कभी भी हम क्रेडिट बैंक के आधार पे डिग्री डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट लेके सर दोबारा कॉलेज ज्वाइन करके डिग्री पूरी कर सकते हैं। राजीव, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, क्या ज्योग्राफी ह्यूमन बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है? जी सर। कोई एग्जाम्पल दीजिए। सर फॉर एग्जाम्पल जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो उनके सर जो क्लोदिंग है, उनके फूड हैबिट्स हैं, या कोई भी सर किसी भी क्लाइमेट में रहता है उसके फूड हैबिट्स कल्चर क्लाइमेट से सर बहुत इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जांपल सर हम देखते हैं कि हमारे यहीं पे राजस्थान में लोग पर्दा करते हैं या फिर हेड गियर रखते हैं, तो उसका एक कारण है कि वहाँ पे सर बहुत धूल ज़्यादा होती है, लेकिन पहाड़ों में वैसा कल्चर नहीं दिखाई देता। ठीक है राजीव, धन्यवाद। मॉक्स कितने दे दिए? सर ये सिक्स्थ है। सिक्स्थ है? हमारे ख्याल से अब इसके बाद मॉक्स देने में कोई फ़ायदा नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाता है ना हर चीज़ में। तो जो टाइम बचा है उसमें प्रिपरेशन कीजिए, और हो सकता है 4 days या 5 days बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू एक मॉक और दे दीजिएगा, जस्ट टू सी वेदर द प्रिपरेशन इज़ कम्प्लीटेड और नॉट। और प्रिपरेशन करने से पहले ये एक जानना ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एज सच, ये है टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और इसमें ये देखा जा रहा है कि आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं यहाँ, जिनमें इंटेग्रिटी तो डोंट गेस, हाँ बैलेंस्ड ओपिनियंस, लॉजिकल थिंकिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लूसिड एक्सपोजिशन, और कहाँ तक आप अवेयरनेस कहाँ तक है आपकी, अवेयरनेस अपने आप अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट अपने नेशन अपने पूरे वर्ल्ड की, तो ये सब आंका जा रहा है। ऐसा करें करीब 40 ऐसे A4 साइज शीट्स लें, सोच लें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मेनली आते हैं फ्रॉम डैफ करेंट इवेंट्स एंड सब्जेक्ट। एक बार आपने क्वेश्चन बैंक बना लिया तो उसके बाद यू हैव टू कम्प्लीटली मास्टर द टॉपिक, और उसके बाद 3-4 बुलेट पॉइंट्स में उसको कैप्चर कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी आपका हायर होना चाहिए और मोनोटोनस वॉइस को अवॉइड कीजिए, पैशन आना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। जरा खड़े होकर हमें देखनी है एक चीज़, टाई आपकी ठीक है या नहीं? नहीं टाई ठीक नहीं सर, टाई शॉर्ट है, शॉर्ट है, थोड़ी लंबी, इट हैज़ टू कम डाउन टू द बेल्ट लेवल, मिडल ऑफ द बेल्ट तक आनी चाहिए। यस सर। और उस दिन आप साफ सुथरी बढ़िया शर्ट पहनेंगे जी सर। हाँ, और ब्लैक को अवॉइड की बैठ जाए, ब्लैक सूट को अवॉइड करें, ज़रा ज़्यादा ही डार्क लगता है, अगर नेवी ब्लू हो तो बेटर रहेगा, स्लाइटली लाइटर शेड जी सर। आप ये जैसे ये देख रहे हैं नेवी ब्लू या ग्रे? सर ये डार्क ग्रे है सर, लेकिन मैं और लाइट थोड़ा सा लाइट चारकोल का। पर मेन थिंग इज कंटेंट ऑफ योर आंसर्स। कंटेंट में इट हैज़ टू बी बिजनेस लाइक प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट एंड नॉट मोर देन 1 मिनट 1.5 मिनट मैक्सिमम। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, जो सही पॉइंट है उस पर पहले नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रायोरिटी वाइज होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, ये बताओ कि तुम फ्रूट एंड वेजिटेबल में समझ क्यों नहीं पाए? भैया वेजिटेबल तो रूट भी हो सकता है, बट नॉट ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, नो बोटानिकली वो थोड़ा टेक्निकल है। सर ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में सर पहले टोमेटो आया, सबसे पहले जो मेरे को एक्सेप्शन याद था, तो अब सर वो एक्सेप्शन पहले आ गया, तो आप मूली भी वेजिटेबल है, साग भी वेजिटेबल है जी सर। सर ऐसे ही हो रहा है, मतलब एक दो बार ऐसे एक और मौके सर एक क्वेश्चन पूछा कि नहीं, ये देखो दीज आर द ट्रिक क्वेश्चंस व्हिच एक्चुअली आर मेड टू असेस योर पर्सनालिटी, दैट हाउ मच यू आर अप टू अ चैलेंज। Okay, how quick you are to react. Yes. Okay, these questions will be from out of the blue, which you would not have expected. Main
और ये सबसे अच्छा आजकल तो तुम लोगों के पास इतना अच्छा साधन है यार, जस्ट टाइप आउट द सेंटेंस इन द गूगल. मैंने अभी टाइप किया, पता चल गया कि क्या डिफरेंस है. फ्रूट फ्रूट उस वो चीज है जिसमें से बीज पैदा होती है. सिंपल सी बात है, जिसमें से उसको फिर से प्रोड्यूस किया कर किया जा सके वो फ्रूट देगा. और इवन इफ यू हैड सेड व्हाट ही सेड इन द बिगनिंग के फ्रूट वी कैन ईट विदाउट कुकिंग, दैट इज अ कॉमन पर्सन्स परसेप्शन. सर जैसे आपने बताया कि फ्रूट्स वो बीज देते हैं रिप्रोडक्शन, सर वो जैसे याद था तो वही बात. दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली डेमोंस्ट्रेट दैट हाउ फिट यू आर फॉर अ चैलेंज. ओके, आप नायब तहसीलदार रहे हो, अचानक प्रॉब्लम आती है ना. जी सर. किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, आपको जाकर सुलझाना है तुरंत. भीड़ इकट्ठी हो गई आपके दरवाजे पर, जाए कर्मचारी इकट्ठा हो गया, है ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, कैसे करोगे बोलो. बिकॉज यू आर फ्रॉम आगरा, ताजमहल के बाद पेटे की याद आती है, करेक्ट. हम थोड़ा सा आइडिया हो तो अच्छा रहे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? नॉलेज इज knowing that tomato is a fruit. Yes, wisdom is not putting it in a fruit salad. और दूसरी चीज ये है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने, आपके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आई, अभी आप इतना मुस्कुरा रहे हो. थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, टेंशन ना लीजिए. सर उसमें ऐसे लगता है कभी कभी जैसे क्वेश्चनिंग चल रही है तो नहीं नहीं इंटरोगेशन नहीं है, इंटरोगेशन थोड़ी है, क्वेश्चनिंग है. क्वेश्चनिंग मतलब ऐसे ना लगे कि आई एम नॉट सीरियस उस टाइप से. नहीं नहीं, आंसर देने के समय, आंसर देने के समय जब आप सही से आंसर दे रहे हो तो थोड़ा सा स्माइल दे दो. जब नहीं आता है तब तो स्माइल नहीं दे सकते हो ना. जब आता है तब तो थोड़ा बहुत स्माइल दे के आप स्माइलिंग फेस से आंसर कर ही सकते हो. ओके, सर एक और चीज पूछनी थी मुझे. सर मैं जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ अभी, तो सर उसमें लैंग्वेज में कोई इश्यू है क्या? लैंग्वेज से कोई, अगर आपने हिंदी दिया है लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम. लास्ट ईयर सर मैंने इंग्लिश में दिया था इंटरव्यू. लास्ट ईयर? यस सर. हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बार आपने हिंदी में दिया है ना. हिंदी में सर फिल्म. वाइज डिसीजन कहते हैं ना, विजडम वाली बात है ये, वाइज डिसीजन है. लास्ट टाइम सर हो क्या रहा था कि नहीं आने पे, ऐसे अभी क्या होता है कॉन्फिडेंस कम होता है जब क्वेश्चन नहीं आता या नहीं भी होता है सर अभी तो. लेकिन लास्ट टाइम क्या होता था, क्वेश्चन आते हुए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा था, तो सर उससे ज्यादा. अरे तब भी आपको 179 आ गया, तब तो हम चक्कर में पड़ गए. नहीं तुम्हारा ठीक है, अच्छा है, यू विल बी, यू आर गुड, बट नो डाउट, ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू ब्रश अप एंड यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ मच बेटर मैनर बिकॉज़ योर बार इज वेरी हाई. Okay, you are already an IRS officer. Okay, and expectations would be very, very high. So you have to put in the best, and that best will not come to you for the second time. Yes, mind you, it's coming to you at this time only, and that is will be your only time. Yes, and that's why the chairman has suggested to you that how you should prepare. Yes, so that you can put your best foot forward in the first go. Yes. Okay, all the best. All the best. All the best. Thank you. Mm-hmm.